नाम है आपका? सौदान सिंह। सर ये मेरा भाई है, हमसे तीसरे नंबर है, हम बड़े, हमें तीसरे नंबर का भाई है हमारा ये, और उम्र तो यही होगी शायद 40 या 42 के आसपास होगी। और ये इनका मतलब जो है हमारे घर, भाई जहाँ रहता है कुल्फी लगाते हैं ये, तो आपसे मतलब जो है करीब करीब 15 या 18-16 दिन पहले करीब ये 2-3 लड़के गए थे गाड़ी से, फार्चूनर गाड़ी थी किसी की, इनके पैर पर पहिया चढ़ाया गया था और कहा सुनी हुई थी, तो ये फिर मतलब तुरंत लड़के आए थे, फायर चलाया, गोली चलाई थी इनके ऊपर, डिफेंस कॉलोनी थाने में FIR करी, पुलिस वाले उल्टा इनको पकड़ के ले गए थे, ठीक है, पूरे दिन थाने में बैठा के रखा और आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई पुलिस वालों से मतलब जो है। अच्छा ठीक है, अब हम तो रहते हैं सर जमुना पार विनोद नगर में, हमारे भाई रहते हैं, हमारे चाचा रहते हैं, सब लोग यहीं रहते हैं। अब ये रात का वाकिया है, अब ये यहाँ के लोग बताएंगे मतलब जो क्रिश्चियन का मतलब वाकिया है। इस बात को लेकर आपके भाई का झगड़ा हुआ था? हमारा तो भाई कुल्फी लगाते, कोई झगड़ा ही कोई मतलब ही नहीं था, ये पहिया कार का पहिया चढ़ गया था ना पैर पे, ये इस फॉर्चून किसी की गाड़ी लेके आए थे ये, तो वहाँ झुग्गी पे अपना मतलब कुल्फी बनाते हैं रिक्शे में, मतलब वो कुछ काम कर रहे थे मतलब जो, तो फॉर्चून गाड़ी का पहिया चढ़ गया। जाहिर सी बात, अगर आपके कुछ लगेगी तो आप तो बोलोगे भाई देख के चल या कैसे चल, ऐसी कोई गलत बात तो नहीं थी। फिर ये बोले अभी हम तुम्हें देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब तुरंत 5 मिनट बाद बॉरिंग देके गए कि अभी हम 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, तुरंत आए और मतलब जो फायर करा तुरंत, मतलब जो तो गोली बच गई थी उस दिन लगने से मतलब जो। कौन लोग थे? अब हम तो सर यहाँ के, यहाँ इंडोसेंज के लोग हैं, मतलब जो कौन है सर? यही लोग यहाँ 3 बजे करीब से मतलब इन लोगों को मिला है, तो हम तो वहाँ रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहते, हम वहाँ रहते हैं। आप लोग बताओ ना कोई, क्या कितने टाइम का वाकिया है? अरे तीन कब से रह रहा है यहाँ पे? यहाँ तो कम से कम 10-15 साल हो गए, यहाँ से नहीं रह रहे हैं, 15 साल तो ऊपर हो गए हैं कम से कम। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं, शादी नहीं हुई इसके मतलब। ये लोग पार्क में घूमने आते हैं सुबह के लिए, सब लोग हमारे मतलब जो झुग्गियों वाले सब पार्क में घूमने आते हैं, तो देखा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मतलब घर में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है? सुसाइड का तो मतलब नहीं है, क्योंकि उसको किसी की चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, अपना अकेला कमा रहा है, खा रहा है, किसी से कुछ विवाद नहीं, विवाद नहीं। क्या बॉडी में शरीर का चोट भी था? कुछ नहीं, देखने से पता चलेगा सर, हमें तो देखने नहीं दिया किसी पुलिस वालों ने। राम प्रकाश, पूरा मामला इनका ये था कि ये एक दिन महेंद्र के लड़के इनके यहाँ ये आते हैं, इनके यहाँ गांजा और दारू इन सब का काम चलता है प्राइवेट। इनके यहाँ जो है ये कुल्फी लगा रहे थे, कुल्फी लगाते वो लाइक कार ये कैसे घूमे पैर पर पहिया चढ़ गया। इन्होंने उल्टी सीधी बात कर दी, इन्हें दिखता नहीं है क्या? वो गए उन्हें, अच्छा थोड़ी देर हो गई, अभी आ रहे हैं, अभी आए 10-15 मिनट में कार लेके आए, वो कार भी किसी और की थी, आके इन्होंने बुक किया, देखा तो इन्होंने पकड़ा थी जी भाजे, उन्होंने फायर दिया जी, बच गए, भाग गए दूसरे भगवान अंदर के लिए। उसके बाद फिर ये छुप गए, ये फिर चले गए 19 साले, फिर देखेंगे। इन्होंने हम जब उधर पहुँचे तब हमने कहा 100 नंबर को तो कॉल कर दी थी, जब करी गई, जब 100 नंबर की गाड़ी आई, अब 100 नंबर की गाड़ी आई तो इन्हें ले गई पकड़ के, उन्हें कोई नहीं, महेंद्र का लड़का, और वो महेंद्र को ले गई। महेंद्र इनके पड़ोसी है वहीं के। अच्छा हाँ, जो रहता था उन्हीं के पड़ोस में है ये। अच्छा, क्या लग रहा है? ये तो यहाँ पर वो सब निशान सुबह सुबह आ गए सब, मैंने वो देखे ये मारा है यहाँ पर लाके। अच्छा, ये तो खाली इतने पर वो है, इतने में बताओ फांसी लग जाएगी, जो पैर बहुत वो हो जाएगी, फांसी वांसी कुछ भी नहीं है। हाँ, महेंद्र के लड़के और ये और हैं इनके साथ जो गुंडे भाई जो उस दिन फायर गोली चला के गए, वो दबंग क्या है, इसके लड़के की दोस्ती इनके, वही इसके इनके लड़कों पर जो गांजा वगैरह सब चीज़ का काम दारू का वही करा रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये हत्या है, सुसाइड नहीं है? वो तो फोटो देख लें ना, कोई जीभ निकलना करना कुछ तो कुछ भी नहीं है। और फिर इसमें इतने पर अगर पलटे तो फांसी लग कैसे जाएगी? नेक पर सीधे कर दो जानी, बिल्कुल वो नहीं हो सकती।